सुबह सुबह पहुंच गए हैं क्लिनिक में, क्योंकि बेटे को रात भर फीवर हुआ था, तो हम इंतज़ार कर रहे डॉक्टर का। डॉक्टर अभी भी नहीं पहुंचा है, लेकिन बेटा ठीक से नहीं बैठ रहा था, इतना शरारती, इधर उधर वो घूम रहा था। तो कोई बात नहीं बोल के उसको अपना मर्जी से रहने दिया, और मैंने थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया यहाँ का। बाहर रह रह के बोर हो गए थे और वो ज़्यादा इधर उधर भी घूम रहा था, तो हम अंदर आ गए क्लिनिक के अंदर। और यह देखो वो क्या क्या मुंह बनाना शुरू करता है, और उसका पीछे है पापा, वो मोबाइल देख रहा है। और ऐसे ही हम हमारे टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर तब भी नहीं आया था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे ऐसे ही। तो इंतज़ार करते करते थोड़ा क्लिप्स भी ले लिया। 6 hours later. गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरे छोटे से चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि बेटा को फीवर हुआ है, बुखार हुआ है। आप लोग ने पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं क्लिनिक में जाके पापा के साथ क्लिनिक में बेटा को लेकर गया, और उसको थोड़ा डॉक्टर चेकअप करके लाया, और दवाई ववाई लाया, और उसको खिला के सुला भी दिया है, और अभी सो रहा है। तो हमारे यहाँ पर मौसम भी अच्छा नहीं है, धूप ही नहीं दे रहा है, तो बारिश ही बारिश। तो सिर्फ आज ही बारिश नहीं हुआ अभी तक, अभी दोपहर का टाइम है, अभी बजा है 2 o'clock, तो अभी नहीं हुआ है बारिश। लेकिन देखो अभी भी ये मौसम ख़राब है, स्काई क्लियर नहीं है, तो बहुत सारा कपड़े सुखा दिया है। तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, आफ्टर ऑल आप लोग ही हो जो मुझे समझते हो, मुझे बहुत सारा प्यार करते हो, तो देखते रहिए, दिखाते रहूँगी। बुखार की वजह से बेटा अच्छे से खा भी नहीं पाया, और सिर्फ थोड़ा सा खाया, और खाने के बाद दवाई खिलाया, और उसके बाद वो सो गया। तो जब तक सोता है तब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ। ये सूख गया है कपड़े, तो मैंने इसको समेट लिया, तो बहुत सारा कपड़े है, बच्चों की, बड़ों की, सभी के। तो एटलीस्ट हवा आने से, हवा से भी थोड़ा तो सूख जाए, तो इसीलिए कपड़े बाहर रख दिया है। और मेरी नहाना सभी काम ख़त्म हो गई है, मंगलों को बोरिंग लग रही है, तो इसलिए वो यहाँ पर लेटी है। उसकी कुकिंग भी सब कुछ हो चुकी है, मैंने कुक नहीं किया है, मम्मी ने किया है, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे लंच में है एल फिश और ब्रिंजल को ऐसे करके मिक्स करके बना के खाने से हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे रेसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो इसीलिए हम अक्सर एल फिश और ब्रिंजल को एक साथ खाते हैं, इसको दवाई मानी जाती है। और ये बेटे के लिए रॉ बनाना, उसको स्ट्यू करके दिया है एक मिर्ची डाल के। ये है हल्दी का चटनी, जिसको रोस्ट करके ग्राइंड करके बनाया है, और ऐसा करके खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए हम ऐसा करके खाते हैं। और यहाँ बन रही है पास्ता बांगलो के लिए, दीदी की बड़ी बेटी के लिए। गर्मा गर्म पास्ता रेडी हो चुकी है, दीदी की बेटी के लिए बनाया है, उसको पास्ता खाने के मन कर रहा था, तो मैंने पास्ता बना दिया। तो ये पास्ता मसाला पेने है, जिसको सिर्फ पानी बॉईल करके और यहाँ पर पास्ता ऐड कर दिया, और उसके बाद ऐड कर दिया मसाला, तो रेडी हो चुकी है हमारे पास्ता। फिर से बारिश आ गई है हमारे यहाँ, बारिश का बूंदे शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे पे। पपाया प्लांट, बेटा का तबीयत खराब है, और दीदी का बेटा का भी तबीयत खराब है, तो इसलिए एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, और बारिश भी शुरू कर दिया है, बहुत मन खराब लग रहा है आज। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे के लिए और दीदी की बेटे के लिए, इन दोनों के लिए प्रे कीजिए कि वो दोनों जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
बहुत ज़ोरों से बारिश आना शुरू कर दिया है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।